तो उसमें भी उसका सर्विस चार्ज काट के बाकी का पे आउट निकल जाएगा। नहीं तो उसको फायदा क्या हुआ ये सब करने का नाटक? इसको कस्टमर जिसको जिसने पैसा लगाया आपके यहाँ नहीं करना है उसको, नहीं नहीं करना है तो आपके नियम और शर्तों के अनुसार उसको करना था। अब नियम शर्तें आप बदल रहे हैं तो गलती आपकी है कि उसकी है? गलती नहीं है ना यहाँ पे, वो हाँ। ब्रिज ही नहीं रहेगा जहाँ पे मैं आपको पे आउट दू, वो ब्रिज ही नहीं रहेगा तो मैं आपको पे आउट कैसे दे पाऊंगा। इसीलिए वो सिस्टम को वहीं रखकर नया कर रहे, लेकिन अगर किसी को रुकना नहीं है तो वो एज पर गवर्नमेंट लॉ जो कंज्यूमर नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो एग्जिट कर सकता है। वो मैं आपको कहूँ, मैंने ये नहीं बोला कि कंपनी पैसा नहीं दे रही, मैंने आपको ऑप्शंस बताए। नहीं ऑप्शंस पहले बता दे रहे हैं, कंपनी पैसा नहीं दे रही, कंपनी क्यों नहीं दे रही है और क्या दे रही है पैसा ये नहीं बता रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना। नहीं क्या बता रहे हैं सर, जिसने दो महीने से, चार महीने से, छह महीने से आईडी लगा के काम कर रहा है, आज उसको एक भी रुपया नहीं मिला है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसको नहीं मिलने का कारण बहुत सारा है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने क्रेडिट कार्ड नंबर, टोल फ्री नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर पे डाला है। तो वो जो हमने 90 डेज का जो सिस्टम लाया था वो एडिट करके वो केवाईसी हटाने का हमने प्रयास किया, फिर उसमें भी हमने चेंजेस किया कि वो नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से जाएंगे, हम लोग मंथली पे आउट में जाएंगे। तो मंथली पे आउट में ये हो गया कि लोड इतना बढ़ गया कि आपने देखा रहेगा कि टीम ट्रेनिंग बोनस में एरर आने लग गया कि वो चल रहा नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को वो एरर आने लगा। तो आईटी टीम ने बोला कि हम लोग अगर ऐसे ही सब करते रहे तो ये सिस्टम क्रैश हो जाएगा। आज आपके नीचे 2000 लोग है, वो कल 1000, एक सेकेंड में 1000 लोग भी दिख सकते हैं, जीरो भी दिख सकते हैं, आप त्रिपुरा के टीम में भी ज्वाइन हुए हुए वैसा भी दिख सकते हैं। तो ये क्रैश होने से अच्छा इसको रोक कर सब चीज नए जगह पे, नए सर्वर पे ले तो सिस्टम का डेटा बच जाएगा। और डेटा पैसे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डेटा रहेगा तो ही पैसा जाएगा। तो इसके लिए सिस्टम को रोक दिया, इसलिए रजिस्ट्रेशन ये वो सब आपका हमने रोक दिया। नहीं जो नए जो पैसा ही लेना था तो आपका सिस्टम चालू रखते और लोग ज्वाइनिंग होते रहते और ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहता। तो कंपनी ये सब चीज स्टेप उठाती ही नहीं, कंपनी को चलना है, आगे बढ़ना है, इसके लिए कंपनी नए तरीके ढूंढ रही थी, क्योंकि 10.5 लाख लोगों को खोना नहीं है। इतना बड़ा डेटा आज के तारीख में किसी को मिलता नहीं है। अरे सर मिलता तो नहीं है, लेकिन ये जो जो दो तीन चार महीने से लोग आईडी लगा के काम किए हैं, पांच बैलेंस रख है, हाँ बोलिए, जो दो तीन चार पाँच महीने से लोग आईडी लगा के काम किए हैं, एक भी रुपया उनके खाते में अभी तक नहीं गया है, हाँ। उनका क्या होने वाला है? फिर आपने वही सवाल कर दिया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पे आउट अगर दे देंगे, कुछ भी छेड़छाड़ सिस्टम से कर लेंगे अभी इस मोमेंट में, तो डेटा क्रैश हो जाएगा। क्योंकि ये हमने इतने सारे लोड आ गया है ट्री में कि वो ट्री संभला नहीं जा रहा है। और हमने अगर कुछ भी एरर, कुछ भी हमने डेटा वापस से किसी का लेके उधर बल्क पे आउट में डालना अगर कर दिया तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उतना लोड ले ही नहीं रहा है सिस्टम। मतलब कंपनी को ये नहीं पता था कि हमारे पास 10 लाख 10 करोड़ की बात कर रहे थे, ये 10 लाख लोगों को संभालने में सक्षम नहीं है, ये पहले से इन्होंने अपना प्रिपेरेशन पहले नहीं किया इस चीज के लिए। बात वो नहीं है ये, तो सर गूगल का भी सर्वर में अपग्रेडेशन होगा और गूगल का सर्वर भी डाउन होके क्रैश होता है। चाहे आईसीआईसी बैंक पकड़ो, एक्सिस बैंक पकड़ो, सबका सिस्टम कभी भी क्रैश होता है, क्योंकि उतने सारे लोग जुड़ते रहते हैं। अभी आईसीआईसी को थोड़ी पता है कि उसका एक महीने में 1 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, मतलब वो हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करता। मतलब ये क्या बोल रहा हूँ और कंपनी की समझ रहे हैं, कंपनी की प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोग जुड़ गए कम टाइम में। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। देखो आप चीज समझो, अगर नहीं समझ रहा है तो ऑफिस से पूछिए।
नहीं मैं समझ रहा हूँ सर, तो ये आपका हेडेक था ना, ये कंपनी का हेडेक था कि कंपनी सर्वर को डाटा को कैसे सेव करना है, ये हम लोगों का तो प्रेशर नहीं था, हम लोगों का काम तो नहीं था। आप लोगों को नहीं आए बार बार, इसलिए हम लोग नए सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं। तो नए सिस्टम से अब क्या होने जा रहा है, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? वही मैं बता रहा हूँ जी। क्या आप नहीं सुनना नहीं चाह रहे, तो मैं क्या करूँ? चलिए बताइए। नए सिस्टम में ये है कि आपको एक लिंक दिया जाएगा जी, आप पहले रजिस्टर हो जाएंगे। हाँ। और आपका जो पूरा टीम है उसको आप नए सिरे से जैसा चाहिए वैसा रजिस्टर कीजिए। अच्छा ठीक है, जिसने एक भी पैसा नहीं लिया है आज तक कंपनी में, हाँ, उसको वहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और जिसने भी 1000 से ज्यादा लिया हुआ है तो जितना उसने लिया हुआ है उतना भरकर वो फिर से नए तरीके से नए एक्सपायरी डेट, एक साल का हो या 52 हफ्ते का हो या 48 हफ्ते का हो, वो उसको मिलेगा उस दिन से जिस दिन से वो चलेगा जी। ठीक है, उसमें उसको ये एक बेनिफिट रहेगा कि सब कुछ नया रहेगा उसका टोटल, मतलब फिर से वो नई ईमेल आईडी नया मोबाइल नंबर डालेगा अपना? नहीं नहीं नहीं, वही रहेगा सब कंटिन्यू वहाँ। अच्छा हाँ। और जो जो कुछ चेंज ना करना चाहे, आईजीटी परिवर्तन हो रहा है, आईजीटी जहाँ पे जो है वहीं पे रहना चाहे तो? अरे पुराना सिस्टम ही बंद है तो कैसा रहेगा वो तो? सर इतने सारे लोगों का कैसे हम रजिस्टर कर पाएंगे, कैसे उनको एडजस्ट कर पाएंगे? ये नहीं, आपके नीचे और भी तो लीडर्स लोग रहेंगे ना, आप अकेले थोड़ी रहेंगे। आपका जो ट्री स्ट्रक्चर है वो पुराना डेटा से देख के आप नए सिरे से चालू करो, तो उसमें फिर विवाद खड़ा होगा तो? क्या हुआ? अगर विवाद खड़ा हुआ तो? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट रूल के खिलाफ नहीं कर रहे, उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। कस्टमर कंज्यूमर राइट्स को ध्यान में लेके ही कर रहे हैं, जिसको चाहिए वो हमारे साथ आगे बढ़े, जिसको नहीं चाहिए वो एग्जिट करे। हम लोग किसी को रोक नहीं रहे, ना किसी को फोर्स कर रहे। नहीं, वो बात तो आपकी सही, लेकिन जो 4-5 महीने से काम किया है, बिडार लगाया, वो इंतजार कर रहा है कि दिवाली का खर्चा मिलेगा हमको। हाँ अभी देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये सिस्टम का कुछ नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है? ये सिस्टम ऐसा है जैसे अभी आपका फोन आज अपडेट हो गया, ठीक है, वैसे किसी और का कल हो गया या किसी और का 1 मिनट बाद हो गया या 1 सेकंड बाद हो गया, तो जैसा आप auction.com पंच करते हो तो हमारा साइट खुलता है, तो वो 3-4 सेकंड में सर्वर को आपका मोबाइल में जो अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर का, वो सिस्टम में मतलब सर्वर में भी वो अपडेट वो ग्रैब कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, जी, तो वो हिसाब से जब आप टीम ट्रेनिंग बोनस में जाते हो तो वो रीड करना वहां से शुरू करता है, जहां से पहली आईडी लगी थी वहां से लेके जो लास्ट आईडी लगी है वहां तक जितनी बार आप दबाओगे, तो वो जब रीड ही नहीं कर पाएगा तो आपको पेमेंट कैसा जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वो पेमेंट ही मतलब वो ब्रिज ही नहीं रहेगा तो मैं उस पार कैसे जाऊंगा? और आप बोलेंगे, अभी एक सवाल आएगा जो हालांकि बहुत आया है सुबह से, कि सर फिर आपने 7 तारीख क्यों बताया? जी, अभी 7 तारीख क्यों बताया, क्योंकि हमने क्या सोचा कि 20 तारीख से लेके 31 तारीख का जो हमने टाइम फिल्ट्रेशन लिया, जिसमें लोगों ने मोबाइल नंबर की जगह पे कुछ और डाल दिया, कुछ ये कर दिया, तो आज क्या हो गया, जब BDC था तो लोग कुछ भी लगा के पे आउट ले लेते थे, बराबर, आपका अकाउंट नंबर डाल दिया, लेकिन पैसा मैं मेरे अकाउंट में मंगा रहा हूँ तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बैंक विड्रॉवल में उसको अगर उसका ही सब डालना पड़ेगा, IFSC ये वो, ताकि उसके अकाउंट में आए, तो यहाँ पे लोग अटक गए। तो जो फ्रॉड वाले आईडी थे या जो जो गलत गलत करने वाले आईडी थे वो सब एक साथ आ गए, जैसे समझो 2 लाख का हमने रिक्वेस्ट ले लिया तो 2 लाख लोगों का एक स्लॉट में आ गया, दूसरे स्लॉट में 3.25 लाख लोग आ गए, तो
तो वो 3.25 में से अगर 10 आईडी गलत हो जाती है या 2 आईडी गलत हो जाती है तो सबके सब आईडी का फाइल रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, बल्क पेमेंट में वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो दिक्कत आई तो हमने सोचा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं फिल्टर करते हैं। तो जब फिल्टर करने गए तो वहां पे क्या हुआ, फर्स्ट फिल्टर में 1.25 लाख या 1,29,000 लोगों का रिक्वेस्ट दिखा। तो मैंने बोला इतना ही रिक्वेस्ट कैसे, हालांकि 8 लाख आना चाहिए। फिर सेकेंड टाइम सिस्टम रन किया तो 5,59,000 आया। तो मैंने बोला अभी ये सही है कि वो सही है। तो एक और बार जब रन करने गए तभी आया 3.25 लाख। जी जी। तो आईटी वाला जो हेड है उसने बोला कि सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा है, अगर हमने और छेड़खानी की तो ये गलत होगा। जी जी। तब हमने डिसीजन लिया कि पूरा आईडी को उठा के नए आईडी नए सिस्टम में डाल दे और उसका सर्विसिंग अच्छे से हो जाए। तो पुरानी जो गलतियां थी उसको यहाँ पे हम सुधार कर अच्छे तरीके से शुरुआत करें। तो नए सिस्टम में वो जो आईडी कैसे, मतलब वो मूव करेगी सब, जिसका जो अपना 1 साल मतलब 6 महीना काम कर चुका है, उसका पे आउट भी बन चुका है, पैसा भी ले चुका है, तो उसका क्या होगा? अभी समझो आपका पुराने इसमें 20,000 बाकी है। हाँ ठीक है जी। और आपने नया जगह पे आप आ गए। हाँ ठीक है। तो वही वीडियो आएगा 10 तारीख को जो सर बताएंगे। तो इसको उदाहरण के तौर पे लीजिए, तो 20,000 आपका है, तो हम क्या करेंगे, जो नया टास्क आप करेंगे या नया बिजनेस या टास्क दोनों, ठीक है, जो आप करेंगे उसका जो भी पे आउट रहा उसको पिछले का 10 या 15% निकाल कर ये पे आउट के साथ मर्ज कर देंगे। समझ में आपको? हाँ समझ में आ रहा है। तो पूरा क्यों नहीं मर्ज कर रहे सर एक बार में, अगर है तो सही है, देना अगर देना है कंपनी को एक बार में ही क्यों नहीं मर्ज कर रहे हैं, 10% क्यों कर रहे हैं? अरे एक अभी आपको तो वही तो मैंने बताया कि अगर मैंने पूरा उठा लिया तो सिस्टम क्रैश ना हो। समझ में आ रहा है सर? पैसा देने में क्या क्रैश, 10,000 देना है, 20,000 दे देंगे आप हमको, उसमें क्या क्रैश होना? अरे एक को थोड़ी देना है। हाँ। पूरा सिस्टम रन करना पड़ेगा ना। जी जी जी। तो वो आईडी वहाँ से, वो आईडी वहाँ से जुड़ी भी रहेगी पुराने से है? कि आप पुराना भी चलता रहेगा ना है? वो मर्ज हो जाएगा ना, पुराना भी चलता रहेगा नया भी चलता रहेगा, या चलता नहीं रहेगा, पुराना वाला वहीं पे रहेगा नया वाला चलता रहेगा, पुराना वाला का लिंक रहेगा ना इंटरनल। अच्छा वो उसमें दिखाई देगा कि उस पर कितनी इनकम थी हमारी, जो इनकम हमारी वहाँ पे पड़ी हुई है वो सारी इनकम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी धीरे धीरे वॉलेट में आएगी धीरे धीरे, मतलब तो दिखे 1 महीना हुआ, ठीक है, नहीं 1 महीना नहीं, दिख तो दिखना तो चाहिए ना हमारा, वो कि वो हमारा वहाँ कितना था, इतना यहाँ पे आया कि नहीं आया। वो मैं बता रहा हूँ, समझो आपका 20,000 है, कंपनी ने बोला कि 20% उसमें से देगी, तो वो नॉर्म्स आप अभी जब वीडियो आएगा तब सर बोलेंगे ना, हाँ 10% आ रहा है या 20% आ रहा है या 15% आ रहा है या 25% आ रहा है, वो सर बोलेंगे। जी जी। मैं आपको तो अभी उदाहरण में समझा रहा हूँ कि ऐसा होगा। हाँ 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 समझ रहा हूँ सर। ठीक है, देखिए अभी मनीष पटेल और सुनील जी यहाँ पे आए, अभी वो नीचे ही है, अभी जस्ट अभी पहुंचे एयरपोर्ट से ऑफिस के यहाँ। अच्छा यहाँ मुंबई पहुंचे। इन लोग ट्रेनिंग, हाँ इन लोग को ट्रेनिंग देके इन लोग आप तक सब पहुंचा गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी 10-12 लोग आ रहे हैं, कुछ त्रिपुरा से आएंगे, ओडिशा से आएंगे। अरे सर एक बार हमको भी बुला लीजिए आपको तो मैंने सबसे पहला ट्रेनिंग दे दिया चलिए आपसे पहले मैंने ये आपको पता है, मैं गिन रहा हूँ आज डायरी में, मैं नोट भी किया हूँ, आप 107वें इंसान हो जिसको मैं ये रिपीट कर चुका पूरा। जी 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 सर। तो सोचो मेरा पेशेंस लेवल और कितना है। नहीं वो तो है सर, जबरदस्त है। तो सर फील्ड को कैसे मैनेज किया जाए, लोग एकदम बौखलाए हुए हैं, घर पे आने को तैयार हैं एकदम। ये विस्तार से समझाओ, टेक्निकल बातें है ना, ये विस्तार से समझाइए, ये ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग नहीं समझे तो आपको गाली ये वो सब मिलेगा, और मिल भी रहा रहेगा,
क्योंकि हमने ये आज तक नहीं बताया किसी को। सबसे बड़ा गलती हुआ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताया, उधर हम मार खा गए। नहीं, टर्म्स कंडीशन तो सर जो बताया गया वो तो कंपनी बार बार बदलती जा रही है ना, कहाँ टिक रही है अपनी जगह पे। पिछले दो महीने का तो कल वीडियो ऑडियो डाल के तो वाट लगा दी। दानिश का ऑडियो हमारे पास आया, हमारी ही टीम से आया नीचे से, रमेश यादव तो उसने मेरा कॉपी करने को गया, उसको आया नहीं कर। मैं बोलता हूँ ना, आपने भी किया था तो मैंने बोला रे कंपनी बंद हो गई जाओ, ताला लगा के आया हूँ। तो इसने बोलने को गया लेकिन हुआ कुछ और, ऐसा हो गया। तो चलो मैंने सर को बोल के ऑडियो भेज के उसको संभाल लिए और एक मैसेज भी मैंने बना के डाल दिया। चलिए सर, थोड़ा सा मैनेज करिए और लोगों को विश्वास दिलाइए और कुछ और चीजें दीजिए कंपनी में। उतने से नहीं काम चलने वाला है जो आप दे रहे हैं। कम से कम इसको अगर बहुत ज्यादा ना करिए तो कम से कम पिछला वाला जो पेडाल लगा लोगों का 50% तो दे दीजिए इस महीने में। अभी देखिए जिसका पॉजिटिव आ रहा है थोड़ा बहुत दे दीजिए, थोड़ा बहुत दिवाली का खर्चा। सर लोगों का दिवाली कैसे मनेगी सर? अरे हमारा भी तो वही हिसाब किताब है कि हमको भी लोगों को वही समझाना है। अभी कुछ आप एक बात बताइए जी, आप अगर ये जो बात मुझसे कर रहे हैं ठीक है जी, तो मैं आपका समस्या समझ सकता हूँ लेकिन डिसीजन मेकर जो बोलेगा वो ही मैं आपको बताऊंगा। नहीं नहीं वो तो सही बात, वो देखा जाएगा। तो मैं भी एक लीडर ही हुआ क्योंकि आप मेरे ही टीम के हुए जी जी। और मुझे आपको तो 10,000 5,000 2,000 लोगों को जॉब देना है, मेरे को तो पूरे इंडिया से कॉल आ रहा है। सही बात। अभी दानिश को भी लोग कॉल कर रहे हैं लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं। दानिश का तो कल उसने बेइज्जती करवा दी कंपनी की, इंसल्ट करवा दी ऑडियो में, तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाया वो, बिल्कुल सामने वाला चढ़े जा रहा हो। मेरा भी ऑडियो बहुत जगह पे गया जी जी, मेरा ऑडियो में सब चुप हो गए। महान महान लोग हैं जो मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं जी जी जी। चलिए देखता हूँ, अभी भी 60 लोगों का कॉन्फ्रेंस लिया मैंने। अच्छा, तो बहुत लोग बड़बड़ किए। मैंने बोला हो गया, अभी मैं बोलू तो जब मैं बोला तो उनके पास उसका रिप्लाई नहीं था क्योंकि उनको वो नॉलेज ही नहीं था कि सिस्टम का ब्रिज कैसे चलता है। नहीं वो नॉलेज सर हमें करने की जरूरत भी नहीं है, ये नॉलेज आप खुद रखो और कंपनी के आईटी सेक्टर वालों को करवाइए, हम लोगों को नॉलेज मत करवाइए क्योंकि हम लोगों को जितना काम है वो पे आउट में मैंने एक बटन भी दबा दिया तो आप मनीष के अपलाइन भी दिख सकते हो, आप दीपक जी का अपलाइन भी दिख सकते हो। अरे सर दिखा दीजिए एक बार तो कम से कम कुछ प्रसन्नता तो आवे, ये लोग तो माल काट के बैठे हुए हैं सब लोग, हम लोग तो नीचे त्रिपुरा में भी वही हाल है। चलिए ठीक है सर, देखता हूँ सर, प्रयास करता हूँ। बाकी तो सर कुछ पे आउट दिलवाने का प्रयास करिए सर, अगर हो जाए तो कुछ दिलवा दीजिए थोड़ा बहुत दिवाली के पहले, बात करिएगा, रिक्वेस्ट हमारी है सर क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। कुछ भभूति मिलेगी तो लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक होंगे तो आगे हमारी बात सुनेंगे भी नहीं, सुनने वाले नहीं है कोई। देखिए सुनने तो कोई नहीं वाले है, दिक्कत तो बहुत आएगी और आएगी ही आएगी क्योंकि लोगों को ये सब चीज से कोई लेना देना नहीं है जी। कुछ तो पैसा चाहिए सर, तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है कि भाई मैंने दिया है तो मुझे दे दो। बिल्कुल सर, यही है दिमाग में, बाकी वो जय ऑक्सीन और ये सब बोल के उनको कोई लेना देना नहीं। जब सर दे रही है तो जय ही बोलेंगे, तो जिसका सर तो वही करते हैं सर, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो चुका है उसको अपने खर्चे से पूरी आईडी लगानी पड़ेगी। हेलो, रिसेप्शन में बैठेंगे, मैं बात कर लेंगे, चलो कुछ नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन और सर, जिसका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो चुका है या प्रिंसिपल से ज्यादा उसको अपने खर्चे से आईडी लगानी पड़ेगी? हाँ हाँ, उसको कंपनी पिन भी नहीं देगी, उसके वॉलेट पड़े हैं तब भी? वॉलेट से अगर माइनस होगा ठीक है तो उसको, वॉलेट से अगर वो माइनस करेगा तो उसका सर अभी दो ऑप्शन है उसमें कि उसमें सर क्या क्या देने वाले उसको।
अगर उसके वॉलेट से माइनस होगा तो। और वॉलेट में अगर प्लस अमाउंट है तब? नहीं 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 नहीं, समझे नहीं आप। समझो आपके वॉलेट में 20,000 है और आप बोल रहे कि नहीं मुझे पैसा देके नए जगह पे नहीं आना है, मेरा वॉलेट में जो पैसा है उसको ही माइनस करे और मैं नए जगह पे आ रहा हूँ जी, तो वो हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा उसका वीडियो आ जाए 10 तारीख। अच्छा, दूसरी चीज DDC पे जो पड़ा हुआ है सर, वो क्या होगा? हाँ, वो भी नए तरीके से नए जगह पे सब DDC डाइवर्ट हो जाएंगे और उसका सम अमाउंट जैसे 1,00,000 है अगर किसी का, ठीक है, उसको 20,000-30,000 ऐसा करके वहाँ पे शिफ्ट होते जाएंगे ताकि उसका वो वॉलेट भी खत्म हो जाए पुराना। मतलब DDC जो विड्राल पड़ा है वो भी उसको पे आउट अभी नहीं दिया जा सकता, जो पेंडिंग में है वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, और सर जो पेंडिंग में हम लोग पेमेंट दे चुके हैं लोगों को, कौन सा DDC पे जैसे विड्राल किसी ने लिया है, दिया है और पे आउट भी ले चुका है हमसे? हाँ, वो तो दिख जाएगा ना, तो उसका उतना माइनस में रहेगा, जिससे भी समझो नए जगह पे आ रहा है तो दिखेगा कि इसकी लायबिलिटी इतनी है, तो अगर वो उतना भर के अगर आ रहा है तो आना दीजिए। तो DDC पे जो वॉलेट पड़ा हुआ है उसका क्या यूज होगा सर? हम लोग हमारे पास DDC है जैसे, उससे ID लगेगी कि नहीं लगेगी? 1,00,000 है अगर आपका जी, तो वो नए जगह पे जब जाएंगे तो सब जीरो हो जाएगा आपका, बराबर, तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो पुराना तो पुराने जगह पे ही रहेगा जी जी। तो आपका बिजनेस जो भी नया होगा उसमें पुराना वाला का वो ऐड करके दिया जाएगा नए में, जैसे आपने समझो 2,00,000 कंपनी में भेजा, ठीक है, तो 20,000 ऐड होके आपको मिल जाएगा, एक एग्जांपल, 30 भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जैसे किसी का अभी जैसे संजीत है, संजीत का 65,00,000 है DDC में जी, तो उसको 5,00,000 भी मिल सकता है एड ओके। अच्छा, समझ में आ रहा है? तो सब लोग तो पेमेंट DDC पे जो पेमेंट मार रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा? क्या 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 जो पेमेंट विड्राल लगाए हुए हैं हमारे पास, वो पेमेंट मांग रहे हैं, हाँ, तो उनको क्या होगा? उनको बोलना है यही कि कंपनी अभी ये कर रही है, वो उनको आपको समझाना है, तो अगर वो नहीं मानते हैं तब उनको एग्जिट पॉलिसी आप बताइए और उनको बोले कि पढ़ लिख कर पूरे से डिटेल में, तब जाके ओके और OTP के लिए रिक्वेस्ट दे। अच्छा अच्छा, अगर मान ले तो वो तो आ जाएंगे पुराने से नए जगह पे, नए जगह पे आएंगे, उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा फिर से, प्रॉब्लम अभी उससे ID से ज्यादा तो वो कमा चुके हैं। नहीं, कमा चुके हैं लेकिन पैसा थोड़ी रखा किसी के पास सर, कमा चुके तो आदमी खर्चा भी तो कर रहा है रोज का रोज फील्ड में। तो वही वही वही, तो अगर वो वॉलेट से माइनस करना चाहता है तो वो सर बताएंगे कि उसका प्रोसीजर कैसा है। अच्छा अच्छा, एक कॉल ले लेता हूँ। चलिए ठीक है।